Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy for Cracks. Myself Shweta Maddheshiya, and today we are going to discuss about current affairs of 26 and 27 January. तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? आपका यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी एंड लास्ट है 25 जनवरी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 25 जनवरी। 25 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, असम। आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका तीसरे संस्करण पे शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला बना देश का पहला राज्य कौन सा है? आपका यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों राज्यों के नाम में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आपका यहाँ पे उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूपी पुलिस किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, IIM बैंगलोर, IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है IIM इंदौर। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, IIM इंदौर के साथ उसने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में DAC ने कितने करोड़ रुपए के स्वदेशी उपकरणों की खरीद की? ऑप्शन दिया हुआ है 4500 करोड़, 5100 करोड़, 6000 करोड़ एंड 7000 करोड़। आपका यहाँ करेक्ट आंसर है 5100 करोड़ की खरीदारी की गई है स्वदेशी उपकरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने किस टेलीकॉम कंपनी का M-पैसा सर्टिफिकेट रद्द किया है? यहाँ आपके चार कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, पहला है जियो, एयरटेल, वोडाफोन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वोडाफोन। वोडाफोन के M-पैसा सर्टिफिकेट को रद्द किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए UPI भुगतान की सुविधा प्रारंभ की? तो आपका जियो, जियो ऑप्शन करेक्ट है। जियो ने UPI भुगतान की सुविधा अभी हाल में ही शुरू की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन के फ्लाइट सर्जन को प्रशिक्षण देगा? यहाँ ऑप्शन होगा फ्रांस। जो फ्रांस देश है वो गगनयान मिशन के फ्लाइट सर्जन को प्रशिक्षण देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के किस दर अनुमान को घटाकर इतना कर दिया है? तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिनमें से दीपिका पादुकोण सही ऑप्शन होगा। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस नकद निकासी सुविधा शुरुआत की है? कार्डलेस नकद निकासी सुविधा शुरुआत की है, तो आप कहेंगे ICICI बैंक। आपका बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है? ये सबको पता है, 71st क्रम का गणतंत्र दिवस 2020 के जनवरी में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका नई दिल्ली, नई दिल्ली में आपके भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म
विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस एंड उपरोक्त सभी। आप कहेंगे उपरोक्त सभी, अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज को और जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस राज्य में खोला जा रहा है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। यहाँ चार ऑप्शन में से मध्य प्रदेश सही। आपके मध्य प्रदेश राज्य में ई कचरा क्लिनिक खोलने की तैयारी की जा रही है। अगला क्वेश्चन दिया है, संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू की जाएगी? आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020, 1 मई 2020 और लास्ट है 1 जून 2020। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 1 जून 2020। तो ये रहा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन एंड आंसर, और आगे भी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और सारे अपडेट्स एंड वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।